जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गोल इंडियन आर्मी में। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि CISF की जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और आपकी ASI की भर्ती चल रही है और इसका फिजिकल होने वाला है। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके 25 अक्टूबर 2022 तक आपके भरे जाएंगे और उसके डेढ़ महीने बाद आपके इसके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक से डेढ़ महीने बाद आपको इसके CISF के फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो इसके फिजिकल में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर लेकर जाने होंगे, इन सभी की जानकारी इस वीडियो में आज मैं आपको देने वाला हूँ कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मैं आज आपको बताऊँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने होंगे, ताकि आप पहले ही इनको बनवा कर रख लें अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका नहीं है तो। इसीलिए आपकी हेल्प के लिए ही हम ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम आप सभी के लिए बिल्कुल सही समय पर आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। और दोस्तों, एक बात मैं और बता दूँ आपको कि CISF में इस बार एग्ज़ाम मेन है, क्योंकि इसके फिजिकल में रनिंग नहीं होगी, तो इसीलिए एग्ज़ाम इसका इम्पोर्टेंट है। तो आप इसके एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसके एग्जाम में ही जो है ज्यादातर कैंडिडेट बाहर होंगे। तो इसीलिए अगर आप CISF में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इसके एग्जाम की तैयारी में लग जाइए आज से ही। और दोस्तों, CISF के एग्जाम पैटर्न की वीडियो हमने बना दी है कि इसके एग्जाम में क्या क्या सिलेबस आपका आएगा, किस किस सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनकी जानकारी उस वीडियो में है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो देख लेना जरूर से, और उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में अब बात करते हैं हम CISF के डॉक्यूमेंट्स के बारे में, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम इसके एक एक करके डॉक्यूमेंट की तरफ। तो साथियों, CISF का जो पहला डॉक्यूमेंट है वो तो आपको पता ही होगा, वो है इसका एडमिट कार्ड। तो आपको जो इसका एडमिट कार्ड जब आ जाएंगे, आपको इसका एडमिट कार्ड निकलवा कर कंप्यूटर वाले की दुकान से अपने पास रख लेना है। आपको जो एडमिट कार्ड है वो कलर प्रिंट आउट उसका निकलवाना है, और उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो गुड होनी चाहिए, यानी कि आप उसको ज़्यादा मोड़ना मत, कभी पता चले फिजिकल के टाइम जाते जाते उसका बिल्कुल ही बेकार स्थिति में हो गई। इसीलिए अच्छे तरीके से उसको रखना लाके, ताकि उसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब ना हो। तो एडमिट कार्ड लेकर जाना है। दूसरा आप देखते हैं यहाँ पर, दूसरा है दोस्तों फोटोग्राफ। आपको फ़ोटो ले जाने हैं फिजिकल में। दोस्तों, वहाँ पर आपको मिनिमम 20 फ़ोटो लेकर जाने हैं, क्योंकि वहाँ पर जगह जगह पर कहीं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, कहीं आपका कुछ हो रहा है, कहीं आपकी जो है हाइट, वेट, चेस्ट, बहुत जगह वहाँ पर फ़ोटोज़ मांगे जाते हैं। तो आपको मिनिमम 20 फ़ोटो वहाँ पर लेकर जाने हैं, और फोटो का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज़ आपके फ़ोटो हों, और 3 महीने से पुराने फ़ोटो नहीं होने चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है कि 3 महीने से पुराना आपका फ़ोटो जो है वो नहीं चलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपको 20 फ़ोटो लेकर जाने हैं। तो उसके बाद अब तीसरा डॉक्यूमेंट देखते हैं दोस्तों तीसरा डॉक्यूमेंट है आपकी 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट। आपको 10th की भी ले जानी है, और प्लस 12th क्लास की जो मार्कशीट है उसको भी आपको लेकर जाना है कंपलसरी, क्योंकि 12th पास की वैकेंसी है। 10th और 12th दोनों यहाँ पर सर्टिफिकेट आपके मांगेंगे। 10th इसलिए मांगेंगे कि डेट ऑफ बर्थ के लिए, कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके वेरिफिकेशन के लिए 10th की मार्कशीट मांगी जाती है, और 12th का तो आपका जो है एजुकेशन सर्टिफिकेट इसमें लगेगा ही, क्योंकि 12th पास की ही ये वैकेंसी है। तो 10th और 12th दोनों की ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेकर जानी है, और इसके साथ ही दो दो फोटोकॉपी भी आप इसके साथ लेकर जाना, क्योंकि वहाँ पर कई बार फोटोकॉपी की भी आपको ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसीलिए पहले अपने इंतजाम से जाना, ताकि बाद में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, ये तो गए इसके एजुकेशन सर्टिफिकेट। अब देखते हैं अगला। दोस्तों, यहाँ पर अगला है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र। तो आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर जाना है, मूल निवास यानी कि जहाँ के आप निवासी हैं, किस स्टेट के हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में आप बिलोंग करते हैं, तो वहाँ का जो है मूल निवास बनता है वो आपको बनवा कर लेकर जाना है। उसमें आपका फ़ोटो भी लगा रहता है, तो विद फोटो इशूड बाय तहसीलदार या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो तहसीलदार बनाता है या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन भी इसके होते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। 10 से 15 दिन में जब आप अप्लाई करोगे तो ऑनलाइन आपका 10 से 15 दिन में आपके हाथ में दे देगा वो, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी। तो ये तो गई इसके डोमिसाइल के सर्टिफिकेट के बारे में। तो इसके बाद दोस्तों अगला सर्टिफिकेट देखते हैं, अगला कौन सा चाहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगला है कास्ट सर्टिफिकेट। दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप
एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। अगर आप एसटी में हैं उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, या फिर आप ओबीसी में हैं उसका रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, या फिर आप ईडब्ल्यूएस में हैं, ईडब्ल्यूएस में हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में हैं और उसका बेनिफिट आप लेना चाहते हैं तो उसका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप उसका सर्टिफिकेट वहाँ पर लेकर जाओगे। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको कंपलसरी ले जाना है, वरना आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोस्तों ये भी आपका तहसीलदार बनाता है या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो यहाँ पर आप बनवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। तो दोस्तों ये तो हुई कास्ट सर्टिफिकेट की बात। इसके जो अगला है डॉक्यूमेंट वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, वो आपको अपना आधार कार्ड लेकर जाना है। ये तो आपको पता ही होगा, आधार कार्ड तो बिल्कुल कंपलसरी रहता ही है। तो आपको अपना आधार कार्ड लेकर जाना है, ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाना है। इसके साथ ही अगर आपके पास पैन कार्ड बना हुआ है तो आप पैन कार्ड भी जरूर लेकर जाना, क्योंकि वहाँ पर पैन कार्ड भी मांग लेते हैं। तो अगर बाद में मांग लिया तो कोई दिक्कत हो जाएगी, तो पैन कार्ड भी आपको लेकर जाना है अगर आपका बना हुआ है तो, और नहीं बना हुआ तो आप बनवा लीजिए जल्दी से, ये भी जल्दी से बन जाता है। 15 से 20 दिन लगते हैं, पैन कार्ड आपका आपके घर पर पहुंच जाएगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों बनवा लीजिए अगर नहीं बने हुए हैं तो। तो साथियों ये 7-8 डॉक्यूमेंट्स हैं आपके जो मैंने बताए हैं, अगर आपका इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर नहीं बना हुआ है तो आप बनवा लीजिए, वरना आपको बाद में दिक्कत होगी जब आप इसका फिजिकल देने के लिए जाओगे तो एकदम से जो है इसके सर्टिफिकेट आप कहाँ से बनवाओगे। तो इसीलिए आप पहले ही बनवा कर रख लें ताकि कोई दिक्कत हो जाए तो आप उस दिक्कत को सही कर सको। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सभी डॉक्यूमेंट बता दिए इसके फिजिकल में आपको क्या क्या लेकर जाना है। दोस्तों अगर इससे जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिए, हम उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना देंगे। और दोस्तों इससे जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी हम आपको बिल्कुल सही समय पर प्रोवाइड करवाएंगे, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच जाए। और दोस्तों डिफेंस से जुड़ी सभी भर्तियों की जानकारी हम आपको बिल्कुल सही समय पर प्रोवाइड करवाते हैं और बिल्कुल सही जानकारी आपको देते हैं, इसीलिए दोस्तों आप वीडियोज़ को लाइक भी कर दिया करो ताकि हमको एक मोटिवेशन मिलता रहे और हमें भी ऐसा ना लगे कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है वीडियो बनाने में। तो इसीलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर करना अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो। तो साथियों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।